BSS online classes. Let's see the next part of question of this exercise. The third question is, we have to draw any two angles which measures as acute angle. हमें कोई दो angles बनाने हैं जिसका measurement acute angle है. जैसा कि मैंने previous video में बताया था, acute angle क्या होता है? ऐसा angle जिसका measurement 90 degree से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? Acute angle कहते हैं. तो सबसे पहले हम protractor सबसे पहले हम एक line draw करेंगे. First we have to draw a line, then put the protector on that line. Protector को mid point को हम उस पर रखेंगे, ठीक है? और उसके बाद जब हम protector को उस पर रखेंगे, तो 90 से small angle किसी भी point पे mark करेंगे. Suppose that हम 60 पे mark करते हैं, उस point को बनाएंगे. उसके बाद scale से उस point से जिस point से हमने 90 डिग्री के एंगल पे प्रोटेक्टर को रखा था उस लाइन पे, उन दोनों को हम मिला देंगे. आफ्टर जॉइनिंग द लाइन द एंगल फॉर्म इज एक्यूट एंगल व्हिच इज 60 डिग्री एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एक्यूट एंगल. अगेन वी विल ड्रॉ अ लाइन, फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन पुट द प्रोटेक्टर ऑन दैट लाइन. फिर प्रोटेक्टर को उस लाइन पर रखेंगे, 90 डिग्री का एंगल जहां पे बनता है वो पॉइंट को प्रोटेक्टर के एंड पॉइंट लाइन के एंड पॉइंट पर रखेंगे. आफ्टर दैट ड्रॉ अ पॉइंट ऑन द प्रोटेक्टर व्हिच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री एंगल. हम प्रोटेक्टर पे एक पॉइंट बनाएंगे अपने पेज पे जो 90 डिग्री से कम मेजरमेंट करे. सपोज हम 70 डिग्री के एंगल पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं, then join the end point of that line with that point, then the angle form is 70 degree. This is the second acute angle. ये हमारा दूसरा acute angle हो जाएगा. तो ये हमारा A part था जो हमें draw करना था, दो acute angles. The B part of this question is, again in this part we have to draw a line. फिर से हम एक line draw करेंगे. After that, taking the end point of that line, put the protector on the end point of that line. Protector को end point पे line रखेंगे और 90 degree का जो mid point होगा protector का, उसके end point पे हम उसको put करेंगे. After that, from the end point, mark an angle which is situated on the protector more than 90 degree. अब 90 डिग्री से बड़े एंगल पे मार्क करेंगे प्रोटेक्टर को, यहाँ पे पुट करके जब हम प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ओके, कुछ इस तरह से हमारा फिगर आउट बनेगा. और यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे हमारा 110 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ओके. आफ्टर दैट ज्वाइन दिस लाइन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ दैट लाइन. तब हमारा किस तरह का फिगर बनेगा? कुछ इस तरह से हमारा फिगर बनेगा जो कि 110 डिग्री का एंगल बनेगा. एंड दिस एंगल इज कॉल्ड दिस ऑब्ट्यूस एंगल. अगेन वी विल ड्रॉ अनदर एंगल व्हिच इज मोर देन 90 डिग्री बाय दिस मेथड. फिर से हम एक और एंगल बना सकते हैं 90 डिग्री से ज्यादा जिसका मेजरमेंट हो. अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन. फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे and put the protector on that line and fix the end point of that line on 90 degree angle. 90 degree angle पे हम उस protector के उस line के end point को fix कर देंगे. Again mark an angle on the protector. अगर हम फिर से किसी point को protector पे mark करते हैं, मान लीजिए आपका angle जो है 130 degree का है protector पे और हम 130 degree पे mark कर रहे हैं. After that इस पॉइंट को हम इस लाइन के एंड पॉइंट से स्केल से हम ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन करने के बाद हमारा जो एंगल फॉर्म होगा 130 डिग्री का होगा. ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल के फॉर्मेशन जिसको हमने प्रोटेक्टर से बनाया. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होगा,
उससे आप इन एंगल्स को बना सकते हैं बहुत इजीली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से प्रोटेक्टर को लाइन इनपुट कर रहा है, प्रोटेक्टर लाइन के एंड पॉइंट को प्रोटेक्टर के 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस कर रहा है और वहां से हमें मेजर करना है कौन सा एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, उसको मार्क करेंगे फिर स्केल से उसे जॉइन कर लेंगे। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा वो हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो हमें दो एग्जांपल्स देने थे एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के, जो मैंने आपको बना के बता दिया है। इसे आप खुद से अपने फेयर कॉपी पे ट्राई करें। नेक्स्ट एग्जांपल है 80 डिग्री सिंगल या 70 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, इसी तरह से ये पूरा 0 डिग्री का है। तो हमें प्रोटेक्टर से कैसे हमको मेजरमेंट करना है मैंने आपको अभी बताया है। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोटेक्टर का जो 90 डिग्री का एंगल यहां पे फॉर्म होता है, ये राइट होता है, इसको बेस मान करके हम इस जो भी एंगल हमें निकालना किसी भी लाइन को बेस मान करके इस प्रोटेक्टर को उस लाइन में हम पुट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को पुट कर रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरह से फिगर बनेगा बच्चों, ठीक है, इस तरह से फिगर बनेगा और ये सपोज है 90 डिग्री पे आ रहा है एंगल, ठीक है। सपोज हमारा कुछ इस तरह से प्रोटेक्टर का फिगर बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर रखा है और हमें इस तरह से हमारा फिगर बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम देख रहे हैं ये प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे 0 डिग्री फिगर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 30, तो बच्चों यहाँ पे 40 और यहाँ समझिए 40 और 50 के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। जब हमने प्रोटेक्टर से कॉपी पे इस एंगल का मेजरमेंट किया तो हमारा इस एंगल का वैल्यू 45 डिग्री आ रहा था, ठीक है, तो हमारा जो मेजरमेंट आया वो कितना आया बच्चों 45 डिग्री, ये फिगर बना है ए पार्ट, इसका मेजरमेंट प्रोटेक्टर से करने पर 45 डिग्री आया। और कैसे हमने मेजरमेंट किया, प्रोटेक्टर के बेस को इसके किसी भी लाइन के बेस पे इस पे भी आप रख सकते हैं, तो प्रोटेक्टर इस तरह से फिगर बनाएगा और वहां पे हम मेजरमेंट करेंगे जिस लाइन पे ये लाइन जाएगा वहां पे पॉइंट बना करके स्केल से उसको मिला देंगे प्रोटेक्टर के उतने एंगल को हम बना देंगे। तो फर्स्ट ए पार्ट जो हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रहा था 45 डिग्री एंगल। लेट्स सी द बी पार्ट, बी पार्ट का भी हम यही करेंगे, बी पार्ट में प्रोटेक्टर रखेंगे और यहां से मार्क करेंगे और फिर मेजरमेंट करेंगे। प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करने पर बी पार्ट 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है यहां पे, जो कि एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा लगभग 120 के इक्वल इक्विवेलेंट एंगल होगा, ये आपको खुद मेजर करके निकालना, ठीक है बच्चों। यहां पर जब हम प्रोटेक्टर पुट करते हैं तो लगभग प्रोटेक्टर से इस एंगल को जब नापते हैं तो 90 डिग्री के ही पास आता है, जब हम इसको मिलाते हैं इसको बेस मान करके, तो ये मेजरमेंट इसका 90 डिग्री के लगभग हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां मैं तीन एंगल्स को निकाल रहा हूं, इस एंगल को निकालने के लिए हम प्रोटेक्टर को सबसे पहले यहां पुट करेंगे, इसको बेस मानेंगे 90 डिग्री पे, हम इसको प्रोटेक्टर को रखेंगे तब यहां पे हम मेजरमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बार यहाँ प्रोटेक्टर पुट करेंगे, फिर एक बार यहाँ प्रोटेक्टर पुट करेंगे, फिर एक बार हम यहाँ मेजरमेंट करने पर लगभग हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ हमारा लगभग 130 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म होगा। जब यहाँ पर प्रोटेक्टर को आप रखेंगे तो प्रोटेक्टर का जो बेस होगा एक 90 डिग्री पे आकर के ही ये मेजर करेगा, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इस तरह से हम मेजरमेंट कर लेते हैं एंगल। आफ्टर दिस क्वेश्चन यू हैव लर्न्ड दैट हाउ टू मेजर द एंगल्स थ्रू प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर से हम कैसे एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू ट्राई इट इन योर होम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। Friends,
In the fifth question, it is given that which angle has large meter? First estimate and then measure. हमें इसमें estimate करना है कि कौन सा angle बड़ा है. देखने से हमें पता चल रहा है कि angle B जो है angle A से हमारा बड़ा है. Okay, angle B is greater than angle A. But we have to find it by measurement. हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? इस लाइन में हम प्रोटेक्टर को पुट करेंगे. क्या करेंगे? प्रोटेक्टर जानते हैं यहां हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है बच्चों, और ये हमारा 80 डिग्री 70 डिग्री, इस तरह से हमारे एंगल्स होते हैं 0 डिग्री. ठीक है, इससे आगे आने पर यहां पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. जब हम यहां पर प्रोटेक्टर को पुट करेंगे तो ये 90 से कुछ छोटा रहेगा. ठीक है बच्चों, यहां पे इस पॉइंट को हम प्रोटेक्टर लाइन के इस पॉइंट पे पुट करेंगे प्रोटेक्टर के. उसके बाद ये क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. ठीक है, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल यहां आएगा. अब मेजर करेंगे ये एंगल कितने का बन रहा. उसके बाद फिर प्रोटेक्टर को हम यहां रखेंगे बच्चों, फिर मेजर करेंगे ये एंगल कितने का बन रहा है. इफ एंगल ए the measurement of angle A is equals to measurement of angle B, तब आप लिख दीजिएगा. अगर दोनों का measurement equal आया तो आप measurement जो भी आया वो लिख दीजिएगा. अगर angle A B से बड़ा है तो आप angle A measurement of angle A is greater than measurement of angle B लिख सकते हैं. और अगर angle B का measurement A से बड़ा है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज मोर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आप लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, देखने से इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि एंगल बी हमारा मेजर करने पर बड़ा आएगा. और इसको मेजर करके आपको खुद लिखना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना आ रहा है और कौन ग्रेटर है. ओके स्टूडेंट्स,